हेलो फ्रेंड्स आई ऑल वेलकम यू टू द गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री क्वेश्चंस ऑन पीरियडिक टेबल दिस सीरीज़ विल बी हेल्पफुल इन योर ऑल ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम्स सच एस मार्कफेट पी एस बी ई क्लर्क आर आर बी एन टी पी सी एस एस सी सी एच एस एल एस एस सी सी जी एल एंड मैनी मोर चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं सिर्फ प्रियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड हैं क्योंकि प्रियोडिक टेबल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हें सभी एग्जाम्स में और प्रियोडिक टेबल केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा हु इज़ द फादर हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रियोडिक टेबल प्रियोडिक टेबल को प्रोडिक टेबल का फादर किसको कहा जाता है मैनलीव लेवसर नीलबोर रदरफोर्ट किसको प्रियोडिक टेबल का फादर बोला जाता है किसको बोला जाता है किसी को पता है इसका आंसर मैंट लीव को किसको बोला जाता है मैंट लीव को फादर ऑफ प्रियोडिक टेबल बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्टिकल एंड द हॉरिजोंटल लाइन्स इन द मॉडर्न प्रियोडिक टेबल आर कोल। जो वर्टिकल और हॉरिजोंटल लाइन्स है प्रियोडिक टेबल देखा हुआ सबने कि नहीं देखा हुआ ऐसे करके होता है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और ऐसे करके वर्टिकल लाइंस होती हैं नहीं देखा तो होगा छोटी क्लासेस में नाइन्थ टेंथ की क्लास में प्रियोडिक टेबल अगर भूल गया कभी किसी ने रिवाइज नहीं किया तो आइए हम पहले टेबल को नज़र मार लें कैसा होता है टेबल ये देखिए ये होता है हमारा टेबल देख रहे हो ये है टेबल थोड़ा ध्यान में आ गया जिन्होंने नहीं देखा था उनके ध्यान में आ गया कि कैसा होता है याद आ रहा कुछ कुछ टेबल के नहीं आ रहा नहीं आ रहा तो क्वेश्चन करो क्या पता है? याद आ जाए तो बड़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम तो सेकेंड क्वेश्चन पे अपने जो वर्टिकल और हॉरिजोंटल लाइन्स अभी अपने टेबल देखा है वो क्या उनको क्या बोलते हैं मेटल नॉन मेटल ग्रुप एंड पीरियड पीरियड एंड ग्रुप के नन ऑफ दे अबर्व वर्टिकल और हॉरिजोटल लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप और पीरियड क्या बोलते हैं ग्रुप और पीरियड जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड बोलते हैं याद रखना और ग्रुप कितने हैं प्रोडिक टेबल में एटीन और पीरियड कितने हैं सेवन ठीक है 7, ये भी याद रखना जो हम प्रोडिक टेबल हम आजकल कर यूज़ करते हैं उसमें ग्रुप एटीन है और पीरियड है सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन एक्रोस एट पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज़ ड्यू टू जो हमारा एटॉमिक साइज़ होता है पीरियड पीरियड मैंने क्या बोलें अभी पीरियड क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं क्या वर्टिकल लाइन होती हैं हॉरिजॉन्टल ये क्या है हमारे पीरियड्स हैं इनमें जो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है वो किसके कारण से होता है पीरियड में जो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है किसके कारण से होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण से एटॉमिक साइज़ क्या होता है पीरियड में डिक्रीज होता है इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसकी वजह से क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की अट्रैक्शन क्या है वो बढ़ जाती है पीरियड्स में ठीक है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर फोर्सेज की अट्रैक्शन क्या है बढ़ जाती है तो अटोमिक साइज भी क्या हमारा कम होने लग जाता है फर्स्ट थ्री पीरियड्स आर कोल्ड जो हमारे पहले थ्री पीरियड्स हैं मतलब वन टू थ्री पीरियड क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारे पहले तीन पीरियड हैं उनमें क्या होता है वो लॉन्ग पीरियड बोलते हैं उनको शॉर्ट पीरियड मॉडरेट पीरियड के नन ऑफ द अबव कौन सा बोला जाता है उन्हें शॉर्ट पीरियड बोला जाता है क्या बोला जाता है उन्हें शॉर्ट पीरियड्स नोबल गैसेज आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप नोबल गैसेज कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है सेवंथ ग्रुप हैं फिफ्थ या फिर एर्थ कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है हमारे नॉबल गैसेस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है दैट इज एर्थ ग्रुप में कौन से ग्रुप में एर्थ ग्रुप में प्रेजेंट है हमारी नोबल गैसेस इनर्जी रिक्वायर्ड टू तो रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कोल्ड जो हमें इन आउटर मोस्ट शेल होती है इमेजिन ये हमारी क्या आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स है अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है जो एनर्जी चाहिए हमें उसको क्या बोलते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी आइनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं जब हमें इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करना है आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट पे क्या फ़र्क होता है जब हम ग्रुप्स के हैं हमारे वर्टिकल लाइंस जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर तो हमारे शील्डिंग इफेक्ट पे क्या फ़र्क होता है कोई चेंज नहीं आता डिक्रीज़ करता है इंक्रीज़ करती है कि नन ऑफ द अबव शील्डिंग इफ़ेक्ट डिक्रीजेस इंक्रीजेस नन ऑफ द अबव या फिर कोई चेंज नहीं आता है शील्डिंग इफ़ेक्ट पर कब पूछा मैंने जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं क्या, क्या होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इंक्रीज होता है क्या होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कोल्ड ग्रुप ए एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है मेटल्स बोला जाता है अल्कली मेटल्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप ए एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आज के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि प्रोडिक टेबल क्या था कैसे था तो हम उसके आगे ही आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम लोग प्रोडिक टेबल में आगे बढ़ेंगे ठीक है थोड़े लेवल को इंक्रीज भी करेंगे विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द नोबल गैसेस नोबल गैसेस के बारे में क्या ट्रू नहीं है हमने पीछे किया था कि नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में होती हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि नोबल गैसेस का क्या ग्रुप है ठीक है ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस पीछे क्वेश्चन किए हैं जिसने ध्यान से सुना अभी मेरे को बताओ जल्दी लिखिए कि नोबल गैसेस का कौन सा ग्रुप है फटाफट बता दो हाँ जी दसो लिखो लिखो ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਏ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟ੍ਰੂ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਦੇ ਆਰ ਨਾਨ ਮੈਟੈਲਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਆਰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਜ਼ੀਨੋਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਅਮੰਗ ਥਿਸ ਜ਼ੀਨੋਨ ਕਿਹ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਨੋਬਲ ਗੈਸਸ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇਚਰ ਮੇ दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म कि दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर क्या ट्रू नहीं है क्वेश्चन क्या पूछे नॉट ट्रू वो रेडियो एक्टिव होते हैं नेचर में ये चीज़ क्या है गलत है नोबल गैसेस के बारे में ठीक है ये चीज क्या है नोबल गैसेस के बारे में गलत है एन एलिमेंट बिलोंग्स टू अ पीरियड टू एंड ग्रुप टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ दिज एलिमेंट इज अब ये हमारा क्या है फर्स्ट ग्रुप ये हमारा सेकेंड ग्रुप ये हमारा फर्स्ट पीरियड ये हमारा क्या है सेकेंड पीरियड ठीक है सपोज यहाँ पर हमारा क्या है? एक एलिमेंट है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो ना जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने प्रेजेंट होंगे टू होंगे फोर होंगे थ्री होंगे कि वन होंगे एलिमेंट्स जो ग्रुप टू पीरियड टू में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे उसमें टू होंगे ठीक है अब आप मेरे को इससे आइडिया लेके बताओगे एलिमेंट पीरियड थ्री और ग्रुप थ्री में अगर होंगे तो उसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ठीक है समझ लग गई पीरियड थ्री और ग्रुप थ्री में जो एलिमेंट होगा उसके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ से आइडिया इस क्वेश्चन से आइडिया लेके आप मेरे को बताओगे ताकि आपको समझ लग रहा है कुछ के नहीं लग रहा कुछ कुछ समझ लग रहा है पीरियोडिक टेबल के नहीं आगे बढ़ते हैं द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एट क्या है अगर किसी अगर कोई एलिमेंट है जिसका टॉमिक नंबर एट है तो उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होगा ग्रुप होगा उसका सिक्स और पीरियड होगा उसका सेकंड ठीक है आगे इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी ग्रुप में ये ग्रुप हैं हमारे अगर हम टॉप टू बॉटम देख रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या असर होगा वो इंक्रीज होगी डिक्रीज़ होगी सेम रहेगी कि फ्लक्चुएट करेगी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा किसी ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम देख रहे हैं क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ वो डिक्रीज़ होगी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी डिक्रीज़ होगी और लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम विल डिक्रीज एंड फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगी इंक्रीज होगी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी क्या इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी फ्लोरीन हैज एन इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी लेस देन दैट ऑफ अब इसके लिए क्या है आपको प्रोडिक्ट टेबल अच्छे से पता होना चाहिए कि फ्लोरीन हमारा कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप में आता है अगर हमें ये चीज़ पता होगी कि फ्लोरीन हमारा कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में आता है हमें इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के बारे में पता है कि वो टॉप टू बॉटम क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी डिक्रीज़ होती है और लेफ़्ट टू राइट क्या होती है इनक्रीज होती है तो हम कंपेयर कर लेंगे ये सारे एलिमेंट्स के साथ उसको तो उसका आंसर हम अच्छे से फिर बता सकेंगे एक बार ये इसका आंसर जान लो क्या होगा क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किससे कम होगी क्लोरीन से कम होगी अब आप मुझे पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देख के बताओगे कि फ्लोरीन कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में आता है और इनका कंपेयर करके आप लोग चेक करना कि आंसर क्लोरीन ठीक है कि गलत बताया है मैंने आपको ये गलत भी हो सकता है और ठीक भी ये चेक करना आपकी ड्यूटी और कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि फ्लोरीन कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में आते हैं और सबके साथ लिंक करके एक बार ही आपको एक चीज़ चेक करनी आगी तो आपको सारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी के बारे में पता लग गया है ना ठीक है थोड़ी सी मेहनत करो आप लोग मेहनत करने से मत डरो ठीक है अगे वन नेक्स्ट क्वेश्चन एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू वर्ड्स इट्सल्फ इज कोल्ड एक एटम की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉनैगेटिविटी कहते हैं आइनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या है एबिलिटी ऑफ एन एटम एक एटम की एबिलिटी अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने करने में कोई जो क्षमता है वो किस क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में के कितनी क्षमता है ये जानने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की जाननी पड़ती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर शेल इज कोल्ड एवरेज डिस्टेंस जो कि न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में उसको क्या बोला जाता है एटॉमिक साइज न्यूक्लियर साइज शेल्डिंग इफेक्ट के नन ऑफ द अबव क्या बोला जाता है एवरेज डिस्टेंस को एटॉमिक साइज बोला जाता है क्या एटॉमिक साइज द मॉडर्न प्रियोडिक लो हैज बिन गिवन बाय जो मॉडर्न प्रियोडिक लो है किसके द्वारा दिया गया है मैनलीव लेसर मुजले या लोथन मेयर किसके द्वारा दिया गया है सी ऑप्शन मोसले किसके द्वारा मोसले के द्वारा इनर्ट गैसेस आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द इन विच ग्रुप ऑफ द टेबल इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है इनर्ट गैसेस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है ग्रुप जीरो में कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है ग्रुप जीरो में ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम एक ग्रुप है ठीक है देखो ये हमारा एक ग्रुप है स्पोर्ट्स ले लो ये ग्रुप नंबर थ्री है उसमें क्या होगा सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटॉमिक नंबर सेम होगा सारे ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट सेम होगा कि कुछ भी नहीं क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे किसी भी ग्रुप में क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं सेम होते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम होंगे वेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड इन अ वैलेंस शेल तो क्या होता है एनर्जी इज ऑब्जर्व एनर्जी इज रिलीज एनर्जी रिमेन सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस जब इलेक्ट्रॉन्स क्या है ऐड होते हैं वैलेंस शेल में तो क्या होता है एनर्जी ऑब्जर्व होती है रिलीज होती है इसके सेम रहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है क्या होता है एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है ठीक है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या है ऐड किए जाते हैं वैलेंस शेल में लास्ट क्वेश्चन है आज का द चेंज इन द वैल्यू ऑफ आइनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप अगर क्या है आइनाइजेशन की एनर्जी में अगर जो वैल्यू में चेंज आ रहा है वो क्या होती है जब हम नीचे नीचे जाते हैं इनक्रीज़ हो डिक्रीज होता है इंक्रीज़ होता है सेम रहता है कि कुछ भी नहीं होता जो वैल्यू ऑफ आइनाइजेशन एनर्जी है डाउन द ग्रुप क्या होती है बताओ क्या होती है डिक्रीज़ होती है क्या होती है डिक्रीज़ होती है आज हमने क्या किया है कि प्रोडिक टेबल के बारे में ट्वेंटी एम सी क्य किए हैं आज मैंने इसलिए कम रखा है ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि प्रोडिक टेबल क्या होता है कैसे होता था हमने नाइन्थ या टेंथ में किया था बहुत टाइम पहले ठीक है उम्मीद करती हूँ आज आपको कुछ तो याद आया होगा प्रियोडिक टेबल के बारे में ये हमारा प्रोडिक टेबल है चलो हम फ्लोरिन वाला क्वेश्चन करवा दूँ एक बार ही समझ लग जाएगा क्या आप लोग खुद देखोगे ये बता दो कि फ्लोरिन है कहाँ ये है फ्लोरिन हमारा क्या है ये फ्लोरिन हमारा अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रियोडिक टेबल डिटेल में करवाऊँ जैसे आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कराया था या पॉलिटिक के कुछ टॉपिक्स को मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये भी चीज़ डिटेल में कराऊँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिर्फ प्रियोडिक टेबल एम नहीं करवाऊंगी क्योंकि लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग फिर बोर होने लग जाते हो प्रयोडिक टेबल में को डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी कि प्रियोडिक टेबल में कैसे होता है आइनाइजेशन एनर्जी क्या होती है शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे हम देखते हैं प्रियोडिक टेबल को अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि प्रियोडिक टेबल को डिटेल में कराऊं ये आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा मुझे जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी आपको प्रियोडिक टेबल डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा ठीक है अभी भी मैं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का रिस्पॉन्स भी मुझे अभी इतना सेटिसफैक्ट्री नहीं है कुछ बच्चों ने देखा है पर मुझे सेटिसफैक्ट्री रिस्पॉन्स चाहिए ठीक है तो इसमें आप जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली उतनी जल्दी आप लोगों को प्रियोडिक टेबल में डिटेल में वीडियो मिलेगी ठीक है अगर आपको ये एम अच्छे लगे हैं प्रियोडिक टेबल के ऊपर अगर लेक्चर को पसंद आया है तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले मार्क्स फैट के सीनियर असिस्टेंट के पेपर के बारे में आप लोगों को पता लग गया है ना और जो मार्क्स फैट का जो थर्टी टू पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है पूरा डिटेल में गिल्स मैंट के चैनल पर डाला गया हुआ है जितने भी न्यू एग्ज़ाम्स आए हैं हरियाणा वगैरह के सबकी नोटिफिकेशन ध्यान से देख लेना ठीक है ताकि आपका कोई भी फॉर्म मिस ना हो और कोई भी चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहा करो आलस मत क्या करो कि आज संडे था कल जिस कल क्या था संडे था तो आप लोगों ने क्या है? देखा नहीं होगा चैनल को तो देखा करो रोज़ ठीक है कि कुछ नई नोटिफिकेशन है कि नहीं है ये तीन चार महीने हैं तो एग्ज़ाम्स को दे लो अच्छे से पढ़ लो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में और जाते जाते मैं एक बात फिर बोलूँगी हर लेक्चर आपके रिस्पॉन्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा उतना अच्छा ही आपको उससे ज़्यादा अच्छा नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा कुछ मेहनत आप करो कुछ मेहनत हम लोग करेंगे आप लोगों तक हर चीज़ अच्छे से आपको समझ में आए और पेपर में आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो ठीक है तो मेहनत करते रहो गुड लक ऑल